वेलकम टू स्टडी चरण। आज है 17 मार्च 2019। तो आज दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें जिससे आप वीडियो का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने आपको एक सवाल पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के लिए नया राष्ट्रदूत कौन बने हैं जो कि भारत की तरफ से? वो है संतोष झा, जो कि 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं। जब भी उज्बेकिस्तान आता है उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकेंट और उज्बेकिस्तान का करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। ये दोनों भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। व्हिच कंट्री विल होस्ट अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020, जो 2020 में होगा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप? कौन सा देश उसका मेजबानी करेगा? भारत उसका सही आंसर है। आप ये देख रहे हैं फीफा के जो प्रेसिडेंट है जियानी इन्फांटिनो के द्वारा ये बताया गया है। और एक चीज बताया गया है जो कि 2022 में होगा कतर में फीफा वर्ल्ड कप, इसमें 48 टीम पार्टिसिपेट करेंगे। ये नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। जेपी डुमिनी अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम ODIs आफ्टर वर्ल्ड कप 2019। जेपी डुमिनी बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? तो आप जानते हैं जो कि वर्ल्ड कप 2019 कहां पर होगा? इंग्लैंड में होगा। इसके बाद जेपी डुमिनी ने अपनी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे जो कि साउथ अफ्रीका के तरफ से खेलते हैं। तो जेपी डुमिनी एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। 2017 में ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन टू व्हिच मिनिस्टर? तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को ये मिला है, मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। RBI कैटेगराइज व्हिच बैंक एज ए प्राइवेट सेक्टर लेंडर? तो RBI ने फिलहाल घोषित किया है IDBI बैंक को एज ए प्राइवेट सेक्टर लेंडर। तो IDBI जब भी आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी बाय साहब हेजल हु वाज फॉर्मर IAS ऑफिसर, व्हाट इज द पार्टी नेम? तो एक नया राजनीतिक दल गठन किया गया है साहब हेजल के द्वारा जो कि फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। तो उन्होंने एक नया पॉलिटिकल पार्टी गठन किया है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट, JNK पीपुल्स मूवमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये UPSC में रैंक 1 भी रह चुके हैं। तो अब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्विट करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। ये आपको याद रखना है, नाम भी आपको याद रखना है। साहब फैजल उनका नाम है जिनके द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट एक नया राजनीतिक दल गठन किया गया है। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। फर्स्ट प्राइज ऑफ DD महिला किसान अवार्ड फॉर 2018 एंड 19, तो 2018 और 19 का DD महिला किसान अवार्ड किसको मिला है? स्वाति सिंगाड़े को मिला है जो कि पुणे शहर को बिलोंग करते हैं। हु वॉज द हेड ऑफ द स्टेयरिंग कमिटी ऑफ नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज? तो ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज के एक कमिटी गठन किया गया है जिसका हेड अमिताभ कांत को बनाया गया है। तो अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के CEO है। तो जब भी नीति आयोग आता है, अब ये देख सकते हैं अमिताभ कांत को। तो जब भी नीति आयोग आता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2015 फर्स्ट जनवरी को ये शुरू किया गया था। इससे पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन। इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है। वेयर इज अपेंडिक्स 19 जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज गोइंग टू बी हेल्ड? तो कल शुरू होगा, कल है ना 18 मार्च, कल शुरू होगा, 10 दिन के लिए होगा। अपेंडिक्स 19 जो कि अफ्रीका के 16 देशों के बीच में और भारत के बीच में एक सैन्य युद्धाभ्यास होगा जो कि पुणे में होगा। ये जगह आपको याद रखना है, पुणे में ये होगा। नेक्स्ट के लिए चलते हैं। आप ये देख रहे हैं हु गोट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड? तो नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? प्रकाश सिंह रघुवंशी। आप ये देख सकते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। तो नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड किसको मिलता है? जो भी कहीं एग्रीकल्चर में नया इनोवेशन और वेराइटी लाता है तो उन लोगों को मिलता है नेशनल इनोवेशन ग्रास रूट अवार्ड। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना? तो चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन सी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? ये आपको कमेंट करके बताना है। उज्बेकिस्तान का राजधानी क्या है?
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।